अस्सलामुअलैकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ, ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके। तो जी ये व्लॉग जो है हमारा वेकेशन व्लॉग है। उम्मीद करती हूँ आप सब भी हमारे साथ बहुत इन्जॉय करेंगे। हमने तो बहुत इन्जॉय किया, तो सोचा थोड़ा बहुत जो हमारी इन्जॉयमेंट है वो हम आपके साथ भी शेयर कर दें। तो जी यूएई का यहाँ पे है नेशनल डे, 2 दिसंबर को यहाँ नेशनल डे होता है। तो उसके लिए हमें लॉन्ग वीकेंड मिल गया था कि 1 दिसंबर और 2 दिसंबर नेशनल डे की छुट्टी थी, और आगे जो है वो सैटरडे संडे अपना वीकेंड होता है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग वीकेंड बन गया था और 4 दिन की छुट्टी थी। तो हम लोग फिर जो है थर्सडे से छुट्टियाँ स्टार्ट होनी थी, तो हम वेनसडे इवनिंग को ही निकल आए थे और हम जा रहे थे रासल खैमा। जो है वो दुबई से हमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव पे है। तो ये जो है काफ़ी मतलब फुजेरा रासल खैमा बड़ी काम सी जगह है, बड़ी मतलब ओल्ड किस्म की जो है वो यूएई है, जहाँ पे मतलब दुबई जितना डेवलप और जितना पोश हो चुका है उतना रासल खैमा और फुजेरा बिल्कुल मतलब इनके पुराने कल्चर पे ही अभी तक चल रहे हैं। तो वो आपको कभी जो है ना वो मेंटल सुकून चाहिए हो, जब काम जगह चाहिए हो, जब बहुत ही हसल किस्म की लाइफ से आप थक चुके हों, तो ये जगह थोड़ा सा आपको सूदिंग देती हैं। तो ज़्यादातर दुबई अबू धाबी के लोग जो हैं वो रहने या वेकेशंस के लिए रासल खैमा फुजेरा साइड पे ही आते हैं। तो हमें भी ज़्यादा जब भी घूमना फिरना होता है तो हमारी भी यही होती है कि दुबई से अगर कहीं भी बाहर जाएँ तो हम फुजेरा रासल खैमा इस साइड पर ही आते हैं। तो जी हमने यहाँ पे रिज़ॉर्ट में अपनी बुकिंग करवा ली थी ताकि हम 2 दिन यहाँ स्पेंड करें और बच्चों की भी इन्जॉयमेंट हो जाए और हम लोग को भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो हम लोग जो है वो निकले थे कोई तकरीबन 4:30 बजे, और यहाँ आते आते हमें मगरिब हो चुकी थी क्योंकि 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव थी। तो हम भी बस इन्जॉयमेंट करते हुए सुकून से आ रहे थे। तो जहाँ हमने रिज़ॉर्ट में बुकिंग करवाई थी, ये रिज़ॉर्ट बहुत ही अच्छा था। हम फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहे थे क्योंकि हम हर दफ़ा कोशिश करते हैं कि हम लास्ट ईयर फुजेरा गए थे, इस दफ़ा हमने कहा कि हम रासल खैमा चलते हैं कि डिफरेंट थोड़ा एक्सप्लोर कर लें। तो जी रासल खैमा में हम जिस रिज़ॉर्ट पे गए थे वो है डबल ट्री बाय हिल्टन। बहुत ही अच्छा और 5-स्टार रिज़ॉर्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था और बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉयमेंट की थी। तो यहाँ पे हम पहुँच आए हैं, ये है जी हमारा डबल ट्री बाय हिल्टन रिज़ॉर्ट, जहाँ हमने नेक्स्ट 2 डेज गुजारे थे। और इंशाल्लाह आपको भी ये जो है नेक्स्ट 1 से 2 व्लॉग्स मज़े के मिलते रहेंगे, इसलिए आपने बने रहना है और मेरे व्लॉग्स को देखते रहना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने रिज़ॉर्ट पे या चेक इन एरिया के लिए। यहाँ पे हम लोग ने पहले गाड़ी जो है वो बाहर ही लगा दी थी क्योंकि आप पहले चेक इन करते हैं, उसके बाद वो आपको पार्किंग स्लॉट भी देते हैं और आपके रूम तक वो हमें पहुँचा देते हैं। तो ये थे इनकी मेन लॉबी जहाँ पर आप चेक इन करते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छा बना हुआ था। तो बच्चों के लिए भी ये है कि काफ़ी अच्छी जगह है और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। बच्चे भी यहाँ पे बहुत इन्जॉय करते हैं और बड़ों को भी काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ और काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो बस यहाँ काउंटर पे ही जब तक हस्बैंड जो है वो चेक इन करवा रहे थे, यहाँ पे साइड पे इन्होंने लेमन मिंट जूस और लेमनेड रखा हुआ था। तो बस जूस देख लें तो बच्चे कहाँ छोड़ते हैं, तो बच्चे बस लग गए थे अपने जो है ना जूस पीने पे। काफ़ी रिफ़्रेशिंग था और इनका जो है, मैं तो बस अपनी ये वीडियो शूटिंग पे ही थोड़ा बिज़ी हो गई थी और मुझे लगा कि अगर हम इन्जॉयमेंट कर रहे हैं तो मुझे आपके साथ भी ज़रूर शेयर कर लेना चाहिए। तो जी हमारा चेक इन हो चुका था और ये रिज़ॉर्ट काफ़ी बड़ा है, तो हमें जो रूम मिला था वो काफ़ी पीछे जाके था। इसका बहुत दूर दूर तक ये काफ़ी पीछे तक है, ये सारा बीच के कॉर्नर पे ही कॉर्निश एरिया पे सारे रिज़ॉर्ट बने हुए हैं। तो ये अंदर जो है वो वॉकिंग एरिया बहुत ज़्यादा है, उसके लिए उन्होंने जो है वो बगीज़ रखी हुई हैं, जो बगीज़ आपको बिठा के आपके रूम तक ले जाती हैं। तो गाड़ी जो है वो अपने रूम के बाहर ही पार्किंग जो है रूम से नीचे भी पार्किंग है, आप वहाँ कर सकते हैं। तो इसलिए वो बंदा हमें वो एरिया दिखाने के लिए बग्गी में, मैं और मेरे बच्चे हम बग्गी में आ गए थे। बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे बग्गी को और हस्बैंड जो है वो गाड़ी लेके पीछे पीछे आ रहे थे वहाँ पार्किंग करने के लिए।
तो बस ये साथ में बंदा हमें गाइड करता जा रहा था, बता रहा था कि स्विमिंग पूल्स कौन सी साइड पे हैं, यहाँ पे स्पास थे, सैलून थे, डिफरेंट जो है वो सब कुछ था, तो वो हमें वो गाइड करता जा रहा था। मेरे बेटे को गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, इसलिए वो फ्रंट पे जो है ना वो अंकल के साथ बैठा हुआ था, और उसको हम जितने दिन वहाँ रहे उसने बगी में ही जाना आना था, और बगी में ही वो अंकल के साथ आगे बैठता था और एंजॉय करता था फ्रंट पे बैठना। तो खैर जी, ये हम अपने जो है वो रूम एरिया के, हमारा फर्स्ट फ्लोर पे हमें रूम अलॉट हुआ था, तो वहाँ हम पहुँच चुके थे। बस हस्बैंड गाड़ी पार्किंग कर रहे थे, और यहाँ पे हमें पहुँचते ही एक बहुत बड़ा मिस हैप हुआ। हमने जिस बैग में जो है वो कपड़े अपने जो है वो सब कुछ डाला हुआ था, हमने जो बैग रेडी किया था, तो बस हमसे वो रह गया था दुबई में। तो खैर वो भी एक बड़ी स्टोरी थी, और फिर वो शुक्र है हमें वापस आ गया था, पहुंच आया था। तो तब तक मैंने कहा आपको दिखा दूं, अपना रूम टूर दे दूं। ये इंटरेस्ट पे सामने वॉशरूम थे, उसके साथ वार्डरोब है, फिर इंटर होते ही यहाँ पे हमारा जो है वो किंग बेड था, और सामने ही वो ड्रेसिंग एरिया है। ड्रेसिंग एरिया में साथ में ये LCD लगी हुई थी, उसके साथ ही जो है हमारा जो है वो कॉफ़ी एरिया था, जहाँ कॉफ़ी मशीन पड़ी हुई थी, और नीचे ही जो है इसके कैबिनेट में एक छोटा सा रूम का जो छोटा फ्रिज होता है वो पड़ा हुआ था। ये हमारा सोफ़ा कम बेड था, जिसको रात को हमने खोल के बच्चों के लिए ये पूरा क्वीन बेड बन जाता है, और साथ में छोटी सी स्टडी टेबल बनी हुई थी। और जी यहाँ पे ये खूबसूरत सा टेरेस था, जो कि हमारे 3 दिन के लिए मोस्ट फेवरेट जगह थी रात पे यहाँ बैठने के लिए, क्योंकि वेदर UAE का बहुत अच्छा हो चुका था, तो हम रात को यहाँ बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे, और इस व्यू को बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया। आप देखें कितना खूबसूरत व्यू है, सी व्यू सारा नज़र आ रहा था यहाँ से, और इस टाइम पे रात को यहाँ पे लहर की हल्की हल्की जो लहरों की आवाज़ें आ रही थी, और जो सूदिंग सा एरिया था ना, ये बहुत ज़्यादा सूदिंग था, ये लहरों की आवाज़ें आना और हल्की हल्की ठंड होना और साथ में चाय और कॉफ़ी पीना, तो ये सबसे बेस्ट एरिया था हमारे लिए रात के लिए। और इस टाइम पे रिज़ॉर्ट पे जितने भी लोग होते हैं सब मोस्टली अपने रूम चले जाते हैं, तो इस टाइम बिल्कुल रिज़ॉर्ट में जितनी दिन सारी गहमा गहमी होती है, इस टाइम पे उतनी ही बिल्कुल खामोशी हो जाती है। तो काफ़ी अच्छा खुली बैल्कनी थी, इन्होंने 5-सीटर बाहर सोफ़ा भी रखा हुआ था, तो काफ़ी ही मज़े का था। तो बस हमने जो है वो कॉफ़ी मशीन देख ली थी, तो हमने आते ही सोचा सबसे पहले कॉफ़ी पी लेनी चाहिए, कि थोड़ा सा जो सर दर्द हुआ हुआ था अपना बैग छोड़ के आने का, जो हमें गम लगा हुआ था, उसको हम ज़रा दूर कर लें। खैर वो शुक्र है कि हस्बैंड के ऑफ़िस का एक कुलीग है जो वो रासल खैमा में ही रहता है, और वो अभी ऑफ़िस में ही थे, तो उन्होंने हमारे घर से जो है वो पिक कर लिया था हमारा बैग, क्योंकि हम अपार्टमेंट के अंदर भी नहीं छोड़ के आए थे, हम बाहर कॉरिडोर में भूल आए थे। तो वो फिर खैर उस बंदे ने हमें वहाँ पहुँचा दिया, शुक्र है रासल खैमा वो आ रहा था, वरना हमारा सारा ट्रिप जो है ना वो ख़राब ही हो जाना था। तो खैर ये हमारे पास मशीन थी, इसमें आप कॉफ़ी शॉट डाल दें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त सी स्टीम के साथ ये कॉफ़ी बनाती है, बहुत ही मज़े की थी। तो हमने जितने दिन भी स्टे किया इस कॉफ़ी मशीन को, तो हमने सही हलाल किया, हमने बहुत कॉफ़ी पी इसमें बना बना के। तो खैर सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, हमारी जो बुकिंग थी उसमें हमें ब्रेकफास्ट जो है वो फ्री था, बाकी हमने अगर लंच डिनर जो भी करना है वो पेड था। तो यहाँ पे अंदर तो बहुत ही बूफे टाइप 2-3 रेस्टोरेंट थे जो बूफे सिर्फ लगता है, और वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, और बच्चे इतना बूफे खाते नहीं, उनका फुल ऐसे पे करना बिल्कुल ही फजूल था। तो इसलिए हम लोग फिर बस जो है रिज़ॉर्ट से बाहर ही रेस्टोरेंट में चले गए थे, और रासल खैमा में हमें तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट का पता भी नहीं था, हम इतना आते भी नहीं हैं, तो हम लोग काफ़ी देर रेस्टोरेंट ढूंढते रहे, काफ़ी गूगल सर्च करते रहे कि बेस्ट रेस्टोरेंट और ये और वो, फिर हमें कोई समझ नहीं आई। एंड में फिर हमने इनके जो कोलीग थे उन्हीं को कॉल की कि भाई आप यहाँ रहते हैं, अगर आपको कोई पता हो अच्छा रेस्टोरेंट तो हमें बता दें। तो फिर उन्होंने एक दो हमें रिकमेंड किया, उसमें से हम एक में चले गए थे।
तो यहाँ पे आप जगह जगह रोड पे देख सकते हैं यूएई का नेशनल डे की सेलिब्रेशन की वजह से हर जगह पे जो है ना वो उनके फ्लैग्स की डेकोरेशन है और काफ़ी लाइटिंग और काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, जैसे हमारे 14 अगस्त पे हम पाकिस्तान में डेकोरेट करते हैं या किसी भी कंट्री में नेशनल डे हो तो वो अपने कंट्री को जैसे सजाते हैं, तो यहाँ पर भी वो ही किया हुआ था। तो खैर हम ये पहुँच आए हैं अपने रेस्टोरेंट पे, ये है कसर अल अफ़गान मंदी। ये थोड़ा अफ़गानी रेस्टोरेंट है लेकिन साथ इसमें मंदी और अरेबिक चीज़ें भी मिलती हैं। तो इनका जो है वो सिटिंग एरिया जो है वो प्रॉपर अफ़गानी तरीके का बना हुआ था, नीचे सिटिंग और पिलोज और कुशन वो भी थी, टेबल चेयर भी थे, लेकिन हम लोग को नीचे बैठना ज़्यादा होता कि हम थके हुए थे और हम सोच रहे थे कि अच्छा आराम से नीचे बैठ के खाएंगे। किसी भी रेस्टोरेंट में अगर हमें नीचे बैठने की जगह ऑप्शन मिल जाए तो हम नीचे ही बैठते हैं, उसी जगह को हम इंजॉय करते हैं आराम सुकून से बैठ के खाने को। तो खैर बस ये हम मेन्यू यहाँ पर देख रहे थे और हमारा स्टार्टर आ चुका था जो कि ये सूप देते ही हैं, तो बस हम अपना गर्म गर्म सूप इंजॉय कर रहे थे और खाने का इंतज़ार कर रहे थे कि सबको बहुत भूख लगी हुई थी। हमने यहाँ पे मिक्स ग्रिल मंगवा लिया था, साथ में अफ़गानी नान था, हुमस था और ये काबली राइस विद बीफ था, तो काफ़ी मज़े का था, काफ़ी अच्छा था। साथ हमने वो जो मंदी के साथ चटनी मिलती है सलाताहार वो मंगवा ली थी, तो खाना हमने बस इंजॉय किया। और उसके बाद हम आगे थे वापस रिजॉर्ट, क्योंकि हमने रिज़ॉर्ट को करना था एक्सप्लोर, के हमने कहा अभी रात को कोई ऐसी एक्टिविटी तो स्विमिंग ये एक तो कर नहीं सकते लेकिन हम एक्सप्लोर तो कर सकते हैं ताकि हमारे माइंड में हो कि सुबह सुबह हमने कहाँ कहाँ जाना है, क्योंकि ये इतना बड़ा रिज़ॉर्ट था कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जगह थी। हमें तो दो दिन तो सिर्फ हर जगह नई लगती थी कि यहाँ पर अच्छा ये भी है ये भी है, काफ़ी हमें टाइम बाद समझ आई यहाँ पर। तो खैर हमने बस फिर गाड़ी की पार्किंग में लगा दी थी वापस आके जहाँ हमारी पार्किंग थी, और उसके बाद हम बैठ के थे बग्गी में ताकि हम बग्गी में बैठ के इस पूरे रिज़ॉर्ट को जो है वो एक्सप्लोर करें। तो खैर हमने जो रात को जितनी भी एक्सप्लोर किया, क्या क्या वहाँ पर मौजूद था, क्या क्या एक्टिविटीज़ थी, तो वो तो मैं इस वीडियो में दिखाती तो मेरे व्लॉग बहुत ही बड़ा हो जाता और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए जो अगर आपको वो सब देखना है और हमने क्या क्या किया, क्या क्या इन्जॉयमेंट हुई, किस तरह बच्चों ने क्या क्या किया, तो वो देखने के लिए और इस रिज़ॉर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, ब्रेकफास्ट क्या था, बहुत सब कुछ आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट व्लॉग आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।